सीमन खरीदने के वक्त आपको ऐसा सीमन लो जिसमें मस्टैड्स की प्रॉब्लम बहुत कम होनी चाहिए। इस गाय पे आपने इस गाय को रेखने का मेरा मेन कारण है, आदमी बोल देते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सारे मेरे वीर भैन भरावों सत श्री अकाल। वीर जी नमस्कार। वीर जी, जो आज हम वीडियो बना रहे हैं वो हम अपने फार्म की एक गायें दिखा रहे हैं हम आपको, जो हमारे फार्म की टॉप है, सुपर गाय हैं, जिसके थ्रू हमने 70% अपने एनिमल तैयार किए हैं उस गाय के थ्रू। ये गाय हमारे पास 5/11/2009 को पैदा हुई थी। हमने एक गाय खरीदी थी, सबसे पहले हमने गाय लेके आए थे राजस्थान से। उस वक्त कहते थे राजस्थान में बढ़िया ब्रीड की गायें मिल जाए। ये 2008 की, 8 साल की बात है, 2008 जब मैंने वो शेड, ये मैं 2007 में बनाया था अपना शेड, उस वक्त हम 2-3 गायें राजस्थान से सीकर, नावलगढ़ सीकर से लेके आए थे। वो गायें ने हमारे पास बढ़िया दूध दिया था। वो वहाँ से हम 22 लीटर दूध के ऊपर लेके आए थे, जहाँ मेरे पास 30 लीटर के क्रॉस कर गई थी वो गायें। उसको हमने बढ़िया सीमन लगाया बकाडो का, उस वक्त USA का सीमन आता था, बकाडो का सीमन लगाया था। वो सीमन से ये बछड़ी पैदा हुई थी हमारे पास, ये 5/11/2009 को पैदा हुई थी। अब ये हमारे पास 10th लैक्टेशन है। इस बार इसने बछड़ा दिया था, ये हमारे पास 10वीं बार ब्याही है ये। इस बार 10वीं बार देखो ये, इसको इसने कभी भी प्रॉब्लम नहीं, हमारे फार्म पे कभी भी इंजेक्टिवल, कभी बुखार नहीं चढ़ा इसको। इतनी एज होगी इसकी, अभी भी ये ज़्यादा एज शो नहीं कर रही। एक तो ब्रीड बड़ी है। इस गाय से हमारे पास, हमारे फार्म पे लगभग 75% एनिमल इसी ब्रीड के थ्रू है। जैसे इसकी बछड़ियाँ काफ़ी आई हैं, जैसे इसने 10 लैक्टेशन होगी, इसने 2 बार बछड़े दिए हैं, बाकी 8 तो इसकी बछड़ियाँ हैं हमारे फार्म पे। आगे वो बछड़ियाँ भी 5-5 बार बच्चा दे चुकी हैं। एक मैंने आपको गाय दिखाऊंगा, इसकी बछड़ी वो अभी 55 पे चल रही है, 55 kg दूध दे रही है वो। जितनी भी बछड़ियाँ दी है इस गाय ने, सब टॉप थी, सब 50+, 40+, 45, 50 इनका रिकॉर्ड इतना रहा है। ये गाय ने हमारे पास कंपटीशन भी बहुत लड़े हैं, 5 बार तो ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रही है हमारे फार्म पे ये गाय। हम बठिंडा में कंपटीशन होते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन ये जीती थी। 5 बार लगातार लेके गया हूँ मैं, 5 बार लगातार जीती है। उसके बाद मैं मुक्सर लेके गया, डॉक्टरों ने बोला मुक्सर लेके जाओ इसको। मुक्सर में इसने 48 के करीब दूध निकाला था, वहाँ थर्ड पोजीशन आई थी इसकी, थर्ड। फिर PDFA में लेके गया एक बार, PDFA में 10th पोजीशन आई थी इसकी। ये गाय ने हमको इतने कंपटीशन जिताए हैं कि काफ़ी पैसा तो इसने कंपटीशन इनाम में भी जितवा दिया हमको। और बाकी इसकी ब्रीड थी, जितने भी इसने इसकी ब्रीड की, मैं 2 बार बछड़ियाँ लेके गया हूँ कंपटीशन में, उन्होंने भी पोजीशन डाली है हर बार। इसका रखने का एक वीडियो बनाने का ये कारण है मेन, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका वीडियो बनाने का क्या कारण है, इस वीडियो बनाने का ये कारण है लवी, आपको ये बताना है लवी, अगर आपके फार्म पे भी कोई अच्छी ब्रीड की गायें हैं जिसको मस्टैड्स कम होता हो, जो बच्चे भी अच्छे देती होगा, आगे दूध भी बढ़िया देते हो बच्चे, सीमन बढ़िया ही लगाना आपने, सीमन नहीं मड़ा लगाना। अगर सीमन आप अच्छा लगाओगे उनको, अगर आप अपने फार्म पे बढ़िया गाय, अपने फार्म पे एक आप बाहर से खरीद लेते हो कोई गाय, वो अच्छी है, अच्छा दूध दे रही है आपके पास, उसको मस्टैड्स वगैरह भी नहीं कम नहीं हो रही, मस्टैड्स भी इसको एक बार भी कभी भी मस्टैड्स की प्रॉब्लम नहीं आई, कभी भी इसको बुखार नहीं चढ़ा, अभी मैंने इंजेक्शन वगैरह लाया हो, जो इसकी आगे बछड़ियाँ आ रही हैं उनको भी ना मात्र का हो सकता है किसी को कभी मस्टैड्स वगैरह की प्रॉब्लम है, नहीं इस ब्रीड की जितनी भी बछड़ियाँ हैं किसी को मस्टैड्स नहीं आ रही है, ये मैंने देखा है। और इससे अलग जो दूसरी ब्रीड की होती हैं HF में ही हैं, वो भी अलग सीमन की हैं, उनमें कभी कभी मस्टैड्स आ जाती है। अगर एक गाय को, एक मेरे पास गाय हैं, उसको हर बार ही आती है, उसको उसकी बछड़ियों को भी आ रही है मस्टैड्स की प्रॉब्लम। ये जेनेटिक भी होती है मस्टैड्स की प्रॉब्लम, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जब आपने सीमन खरीदना है, आपने सीमन खरीदने के वक्त आपको ऐसा सीमन लो जिसमें मस्टैड्स की प्रॉब्लम बहुत कम होनी चाहिए। इस गाय पे आपने इस गाय को रेखने का मेरा मेन कारण है, आदमी बोल देते हैं लवी आप 4th लैक्टेशन गाय उसके बाद सेल कर दो, इसका मेन कारण है लवी, इससे मैंने अपने फार्म पे अच्छी ब्रीड तैयार कर ली। आपके पास भी अगर कोई गाय है, अगर आपको बाहर से भी कोई 4th लैक्टेशन अच्छी गाय मिलती है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उस गाय से आप फार्म पे ब्रीड अच्छी ब्रीड तैयार कर सकते हो। अभी भी ये 10th लैक्टेशन है, अभी भी ये 42 से ऊपर दूध दे रही है हमारे पास, 42.5, 42.3 ऐसे दूध होता है इनका, हर रोज़ दूध का काउंट करता हूँ मैं आपको। मैं
अभी जब मैंने वीडियो बनाई मिल्किंग के ऊपर तब आपको मैं शो करूंगा अभी कितना दूध देती है ये मेरे पास गायें 42 क्यों इसका रिकॉर्ड भी है, मैंने इतने कंपटीशन भी जीता हूँ। बाकी इसमें HF के सारे गुण हैं इसमें। बाकी एक और बात है, इसकी अडर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि सारे जो इसके बच्चे आते हैं उनमें सारी प्रॉपर अडर की यही क्वालिटी आती है ज़्यादातर। जितने भी एनिमल आए हैं, जितने भी इसने बच्चे दिए हैं, उसके अडर की क्वालिटी यही है, प्रॉपर यही है। इसमें कोई इतनी वेंस वगैरह जितनी है ये सारा शो करते हैं। अगर आपके फार्म पे भी कोई ऐसी गायें हो आप फार्म पे रखो उसको, ज़्यादा से ज़्यादा सूए। एक मेन कारण और है, अगर आपने ज़्यादा लैक्टेशन, कोई ज़्यादा दूध वाला एनिमल ज़्यादा लैक्टेशन अपने फार्म पे रखना है, उसके एक जो खुर होते हैं जो पाँव कह देते हैं वो खुर, इनको आप साफ करवाते रहो हर बार। मेन कारण यही है, हर साल इसके मैं पैर बनवाता हूँ, इसके खुर बनवाता हूँ। ये आपने ज़्यादातर एनिमल बुढ़ा कहाँ से होता है, एक तो इसको प्रॉपर मिनरल मिक्सचर डालता है, कभी भी इसने साल जंप नहीं किया, हर साल ये बच्चा देती है मेरे को फार्म पे। अगर हर साल बच्चा देता है रहे एनिमल का दूध भी आता रहता है एनिमल को। इसका मेन कारण तो यही है, प्रॉपर फीडिंग और मिलन मिक्सचर वगैरह प्रॉपर डाल रहा है इसको। मेन एक इसका ये देख लो, इसका लेवा भी टूटा। आप ज़्यादा लैक्टेशन वाली ज़्यादा दूध वाली गाँव का लेवा कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इसके लेवे में देखो पूरी बॉडी के साथ अटैचमेंट है इसका लेवा, बहुत बहुत बढ़िया टॉप का लेवा है इसका। ये सीमन आजकल मिलता नहीं, बकाडो सीमन की है ये गाय। बाकी इसका ऊपर से भी देख लो, रीढ़ की हड्डी वगैरह सब प्रॉपर है, कोई कमजोरी नहीं शो कर रही गायें अभी भी। इतने इतना इतने ज्यादा लैक्टेशन होने के बाद भी ये गायें प्रॉपर है इसकी, देख लो पसलियों में भी डिफरेंस काफी है, कहते हैं ज्यादा दूध देती है। इसका मेन कारण ही ये है लवी, ये इससे हम बच्चे ज्यादा ले रहे हैं, इसके हर सुए बच्चा ले रहे हैं। इसने इतना हमारे फार्म पे हमको दे दिया कि हमारा फार्म भर गया। अब हम इसको सेल नहीं करेंगे, अपने फार्म पे ही रखेंगे, चाहे बुढ़ी भी हो जी तो मेरे फार्म पे ही रहेगी ये गाय। इसका मेन कारण तो यही है लवी, आप अगर आपने नया काम शुरू किया है, किसी ने अपने फार्म पे कोई गायें बाहर से ले ली, या अपने फार्म पे आपको कोई अच्छी गायें लगती है, कोई भी अच्छी गायें हैं, आपको पता है लवी इसको मस्टाइड्स भी कम आती है, ये दूध भी ज़्यादा देती है, आप उसके बच्चे रखो। उसके भी जो सीमन लगाना है आपको जानकारी रख के सीमन प्रॉपर लगवाओ, उसके बाद उसके आगे बच्चे लो जितने भी ले सकते हो प्रॉपर सीमन से। अब इसको एक बार चला के भी दिखा देते हैं हम इसका, एक संदीप मड़ा है तोरी है एक बार। ये देखो लगाए, इतने ज़्यादा लैक्टेशन होने के बाद भी बहुत बढ़िया है जगह। ये है उस गाय की बछड़ी जो मैंने आज अपने फार्म की गायें दिखाई ना आपको, ये उसकी बछड़ी है। ये हमारे पास थर्ड लैक्टेशन है, ये भी दूध बहुत बढ़िया दे रही है, ये दूध भी 50+50 के करीब दूध दे रही है। इधर भी लेवा दिखा दे बेटा पीछे से लेवा वगैरह, अभी नहलाने वाली हैं गायें, धूप नहीं निकली कितना देर हो गई। ये बहुत बढ़िया दूध देती है ये गाय हमारे पास। वीर जी जो आज मैंने वीडियो बनाई है वो मैंने अपनी गायें दिखाई है बकाडो वाली, वो एक नंबर गायें हैं हमारे फार्म की, पुरानी गायें हैं। वो दिखाने का सिर्फ यही था लवी, आप भी अगर अपनी ब्रीड अच्छी तैयार करना चाहते हो अपने फार्म पे, कोई भी गायें आपके पास अच्छी आती है, ज़्यादा दूध वाली गायें है, अच्छी ब्रीड वाली गायें है, अच्छा दूध दे रही है, कोई उसको बीमारी नहीं आती, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं आती, मस्टाइड्स वगैरह नहीं आती, वो गायें अपने फार्म पर रखो, उससे अपनी ब्रीड तैयार करो आगे, इससे अपनी ब्रीड अच्छी तैयार हो सकती है और जल्दी हो सकती है। अब तो 66 सीमन आते हैं, 66 सीमन लगाओ ज़्यादातर मछलियाँ लोगों। वीर जी अब मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।